सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। मोदी सरकार ने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट से गैर विवादित 67 एकड़ जमीन को उसके मालिकों को लौटाने के लिए याचिका दायर की है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि यथास्थिति को हटाते हुए 67 एकड़ गैर विवादित जमीन को उसके मालिकों को वापस करने की अनुमति दी जाए। इस पर AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असुद्दीन ओवैसी ने BJP को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वह अपने घटते राजनीतिक आधार के चलते देश की न्यायिक प्रक्रिया को धमकाने का काम कर रही है। असुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में माना है कि जब तक अयोध्या विवाद का समाधान नहीं हो जाता है तब ये अधिग्रहण की गई अतिरिक्त जमीन पर यथास्थिति बनाए रखनी होगी। इस बात को सरकार भी जानती है। AIMIM के अध्यक्ष ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया को इस तरह से धमकाना BJP की तेजी से घटती राजनीतिक लोकप्रियता को बचाने का एक विफल प्रयास है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।